नमस्कार दोस्तों, आज है 7 जनवरी 2020 और युवान करंट अफेयर्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस क्विज में जो है हम 15 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं और 15 क्वेश्चन के बाद इसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी आया है आज जिसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी लंबा है और उसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स क्विज। बढ़ते हैं आगे पहले प्रश्न की ओर। और प्रश्न एक है, हाल ही में राजस्थान में बच्चों की मृत्यु के रिकॉर्ड के आंकड़े के बाद किस राज्य में खुलासा हुआ है कि दिसंबर 2019 में 111 बच्चों की मौत हुई। और इसके ऑप्शन है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार और गुजरात। और दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, गुजरात। राजस्थान के कोटा में एक महीने में 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत के बाद अब गुजरात के राजकोट ज़िले में वर्ष 2019 के दिसंबर माह में 111 बच्चों की तथा अहमदाबाद में 85 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। और राजकोट के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पिछले वर्ष दिसंबर में 111 बच्चों की मौत हो गई थी और ये काफ़ी दुखद घटना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने पर विचार कर रही है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं, गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा या डी महाराष्ट्र। और इसका सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं इसके बारे में। नए साल पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नियमित संविदा एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तोहफा देते हुए उनके लिए मुख्यमंत्री कौन सी है, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है। और इस योजना से लगभग 12.55 लाख कर्मचारी एवं अधिकारी लाभान्वित होंगे और इस योजना को लागू करने से लगभग 756.54 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में सरकार ने दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में देश का पहला स्मॉक टावर लगाया है। ऑप्शन दो, यह स्मॉक टावर 500 से 750 वर्ग मीटर क्षेत्र में 6 लाख घन मीटर हवा को साफ करेगा। ऑप्शन तीन है, स्मोक टावर लगाने का प्रयोग सबसे पहले जर्मनी में शुरू हुआ था। चलिए आपको देखना है कि इसमें से कौन सा है, कौन से कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1-3, बी केवल 2-3 या सी सभी 1-2-3 या फिर डी केवल 1-2। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 1-2। मतलब ये कि तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, स्मॉक टावर लगाने का प्रयोग सबसे पहले जर्मनी में शुरू हुआ था, ये गलत है। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए, कई सालों से प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में देश का पहला स्मॉक टावर लगाया गया है। तो आपको ये देखना है कि कौन सी जगह है दिल्ली की, लाजपत नगर, जहाँ पर स्मॉक टावर लगाया गया है पहला। और वर्ष 2019 में नवंबर में राजधानी में वायु प्रदूषण जो था खतरनाक स्तर से भी कई गुना ज़्यादा हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को तलब किया था और प्रदूषण से बचाव के लिए स्मॉक टावर लगाने सहित तत्काल ठोस उपाय करने को कहा था। और जो लोग दिल्ली के हैं या दिल्ली के आसपास रह रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा हवा प्रदूषित हो गई थी वहाँ की। और इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को तलब भी किया था और प्रदूषण से बचाव के लिए कोई कारगर कदम उठाने के लिए भी कहा था और जो है स्मॉक टावर लगाने की भी सलाह दी थी। और देखिए, जब वायु प्रदूषण बढ़ता है तब हवा में पीएम 25 और पीएम 10 कणों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए, ये जो स्मॉक टावर होगा वो 500 से 750 वर्ग मीटर क्षेत्र में 6 लाख घन मीटर हवा को साफ करेगा और इसके रख रखाव पर हर महीने खर्च आने वाला खर्च जो है वो है 30,000 रुपये का। और इस खर्च को कौन वहन करेगा, स्थानीय कारोबारी उठाएंगे, क्योंकि तो देखिए जान है तो जहान है, इसलिए जो 30,000 का जो खर्च आएगा वो स्थानीय कारोबारी उठाएंगे। और जो सबसे पहले स्मॉक टावर लगाया गया था पहला, वो लगाया गया था चीन में शुरू हुआ था, क्योंकि चीन की जो हवा है वो हमारे यहाँ से भी बहुत ज़्यादा जहरीली है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था। कथन दो, जबकि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून को 8 अगस्त 2019 में लागू किया गया था। कथन तीन,
यह कानून उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला और उपभोक्ताओं को न्यायिक अधिकारों के माध्यम से मुआवजा सुनिश्चित करने वाले सशक्त कानून के रूप में रेखांकित किया गया है। और ऑप्शन चार है, इस कानून का मकसद उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहार से होने वाले नुकसान से बचाना और व्यवस्था को सरल बनाना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है आपको चुनना है, और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 3 4, ऑप्शन बी है केवल 1 2 3, और ऑप्शन सी है केवल 2 3 4, और ऑप्शन डी है सभी 1 2 3 4 सही है। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी कथन जो है सही है। आइए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। भारत में सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण कानून 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था, और उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 को निरस्त करके 8 अगस्त 2019 को नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया गया। और इस कानून का मकसद उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहार से होने वाले नुकसान से बचाना है और व्यवस्था को सरल बनाना है। यह कानून उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला और उपभोक्ताओं को न्यायिक अधिकार के माध्यम से मुआवजा सुनिश्चित करने वाले सशक्त कानून के रूप में रेखांकित किया गया है। और इसमें उपभोक्ता विवाद की न्याय निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया गया है। और अब कोई भी उपभोक्ता शिकायत कर सकता है और 21 दिन के भीतर उसकी शिकायत स्वतः दर्ज भी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में प्रकाशित डेलाई इंडिया और रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का ई कॉमर्स बाजार वर्ष 2021 तक 84 अरब डॉलर का हो जाएगा, जबकि वर्ष 2017 में यह सिर्फ 24 अरब डॉलर का था। कथन दो है, भारत में ई कॉमर्स बाजार सालाना 32% की दर से बढ़ रहा है। आपको देखना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1, बी केवल 2, या सी 1 2, 1 व 2 दोनों, और डी कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 व 2 दोनों सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं अपने। 5 जनवरी 2020 को सोमालिया में किस आतंकी संगठन ने केन्या में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया था? और ऑप्शन है बोको हरम, बी अल शबाब, या सी तहरीक उल इंसाफ, या डी अल जिहादी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल शबाब। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के प्रथम हिंदू मुख्य न्यायाधीश हाल ही में किस देश के प्रथम हिंदू मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ गबन का आरोप लगाकर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, पाकिस्तान, बी सऊदी अरब, सी जॉर्डन, या डी बांग्लादेश। और दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, बांग्लादेश। ये जानते हैं इसके बारे में। बांग्लादेश के प्रथम हिंदू मुख्य न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा के खिलाफ गबन के आरोपों को लेकर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। अदालत के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि सुरेंद्र कुमार सिन्हा इन दिनों अमेरिका में रह रहे हैं और आरोप पत्र में उन्हें क्या भगोड़ा घोषित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने विश्व बैंक को कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत की स्थिति और सुधारने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। कथन दो है, DPIIT का ध्यान कोलकाता और बंगलुरु में सुधार गतिविधियों पर है, क्योंकि विश्व बैंक ने इस साल से दिल्ली और मुंबई के अलावा कोलकाता और बंगलुरु के आधार पर कारोबार सुगमता रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया है। और ऑप्शन तीन है, विश्व बैंक ने कारोबार सुगमता रैंकिंग के लिए मानकों की संख्या 1 से बढ़ाकर 11 कर दी है। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, केवल 1 व 3, केवल 2 व 3, केवल 1 2, या फिर सभी 1 2 3 सही हैं। और दोस्तों इसका सही जो उत्तर है वो भी यही है ऑप्शन डी, कि एक जो ये तीनों हैं कथन वो सही हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत की स्थिति और सुधारने के लिए रूपरेखा तैयार की है, और इसके लिए उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT 6 मानकों पर विशेष ध्यान दे रहा है जो निम्न है। नंबर 1 अनुबंध का प्रवर्तन, नंबर 2 दिवाला निपटान, नंबर 3 कारोबार शुरू करना, और नंबर 4 संपत्ति का पंजीकरण, नंबर 5 कर का भुगतान, और नंबर 6 सीमा पार व्यापार।
और DPIIT का ध्यान कोलकाता और बंगलुरु में सुधार गतिविधियों पर है, क्योंकि जो है इस बार है विश्व बैंक ने इस साल से दिल्ली और मुंबई के अलावा कोलकाता और बंगलुरु के आधार पर कारोबार सुगमता रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया है। मतलब पहले जो थी वो दिल्ली मुंबई के हिसाब से तैयार होती थी, और अब जो होगी वो कोलकाता और बंगलुरु के आधार पर तैयार होगी कारोबार की सुगमता रिपोर्ट। अब देखते हैं कोलकाता और बंगलुरु को इसमें शामिल करने से भारत में कारोबारी माहौल की एक सार्वभौमिक तस्वीर उपलब्ध हो सकेगी, और इसके अलावा विश्व बैंक ने कारोबार सुगमता रैंकिंग के लिए मानकों की संख्या 1 से बढ़ाकर कर दी है टोटल 11, और विश्व बैंक की कारोबार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में जो है वर्ष 2020 में 190 देशों की सूची में भारत का स्थान है 63वां। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सरकारी दूर संचार कंपनी, और ये है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने पैसे जुटाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना के तहत 20,160 करोड़ रुपए की कितनी संपत्तियों की सूची निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM को सौंपी है। और ऑप्शन है इसका 14, B20, C10 या D12। और दोस्तों इसका सही उत्तर है A14। आइए जानते हैं सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL ने संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत 20,160 करोड़ रुपए की 14 संपत्तियों की सूची निवेश व लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM को सौंपी है। और दोस्तों अगर मैं पर्सनली इस पर कमेंट करूँ तो अगर BSNL के कर्मचारी सही से काम करते तो शायद ये नौबत नहीं आती, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम BSNL का यूज़र रहा हूँ और ख़राब उनकी सर्विस की वजह से उसे छोड़ा भी है। तो चलिए ये तो एक अलग बात हो गई, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और 5 से 11 जनवरी तक कनाडा की राजधानी ओटावा में आयोजित हो रहे राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्षों एवं पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक में भारत की तरफ से कौन नेतृत्व करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं, ओम बिरला, बी राजनाथ सिंह, या सी एम वेंकैया नायडू, या फिर डी निर्मला सीतारमण। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ए ओम बिरला। ये जानते हैं इसके बारे में, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल 5 से 11 जनवरी 2020 तक कहाँ कनाडा की राजधानी ओटावा में आयोजित हो रहे राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्षों एवं पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। ठीक है, आपको देखना है कहाँ पर कब से कब 5 से 11 जनवरी 2020, और कहाँ पर कनाडा की राजधानी ओटावा में, और क्या आयोजित हो रहा है राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्षों एवं पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक। ठीक है, और लोकसभा सचिवालय के अनुसार ओम बिरला के नेतृत्व में यह शिष्टमंडल राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 25वें सम्मेलन में भाग लेगा। कौन सा सम्मेलन है ये ध्यान रखना आपको, 25वां। इस शिष्टमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव भी शामिल होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वालों की सूची में 7वें क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, ए लियो कार्टर, या बी जस्टिन लैंगर, या फिर सी टिम कुक, या फिर डी डेविस वार्नर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है लियो कार्टर। आइए जानते हैं इसके बारे में, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लियो कार्टर ने 5 जनवरी को न्यूजीलैंड के घरेलू T20 टूर्नामेंट में सुपर स्मैश में नॉर्दर्न नाइट्स के खिलाफ अपनी टीम कैंटबरी किंग्स की जीत के दौरान हासिल की। ये जो उपलब्धि है इन्होंने 5 जनवरी को हासिल की थी, और कौन से टूर्नामेंट में, T20 में, और सुपर स्मैश में नॉर्दर्न नाइट के खिलाफ। और लियो कार्टर ने स्पिनर एंटन देवसिच के ओवर में 6 छक्के लगाए, और इससे पहले ये जो कारनामा कर चुके हैं उन क्रिकेटर्स के नाम या बल्लेबाजों के नाम हैं सर गौरी सोबर्स, और दूसरे हैं रवि शास्त्री, और तीसरे हैं युवराज, और फिर हैं रॉस वाइटले, और हैं हर्षल गिब्स, और अफगानिस्तान के हैं हजरतुल्ला जजई ने ये कारनामा पहले भी किया हुआ है, एक ओवर में 6 छक्के या 6 गेंदों में 6 छक्के। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने यह घोषणा की है कि ब्रिस्बेन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में मिलने वाली
2.5 लाख डॉलर, 2.5 लाख डॉलर की राशि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगी आग से प्रभावित लोगों को दान में देंगी। ऑप्शन देख लेते हैं, सिरेना विलियम्स, बी है विनस विलियम्स, या सी है एशले वाल्टी, या फिर डी है मारिया सारापोवा। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एशले बार्टी। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी एशले वाल्टी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के कारण शिकार हुए लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं, और इस हफ्ते ब्रिस्बेन्स अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में मिलने वाली राशि जो है 2.5 लाख डॉलर को ये किसे देंगी, रेड क्रॉस संस्था को दान देंगी। और दोस्तों इस समय जो है ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी भयंकर आग लगी हुई है, और काफ़ी समय से ये आग चल रही है, और ये मान के चलिए कि करोड़ों जीव जंतु इसमें मर चुके हैं, जल करके मर चुके हैं, और हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है इससे निपटने का, लेकिन आग इतनी भयंकर है कि वो उससे निपट नहीं पा रहे हैं। और अब बारिश होने की वजह से थोड़ा बहुत फायदा मिला भी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो है भारत सरकार अगले 5 वर्षों के दौरान अपने विजन में किस क्षेत्र में जोर देगी? ऑप्शन देख लेते हैं, महिला कल्याण, या बी सतत विकास, या सी निवेश केंद्रित आर्थिक वृद्धि, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्या है? महिला कल्याण, सतत विकास और निवेश केंद्रित आर्थिक वृद्धि। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आयकर विभाग ने ज्यादा खर्च करने वाले लोगों के लिए कौन सा या कौन से नए आईटीआर फॉर्म अधिसूचित किए हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ITR 1 सहज, या फिर बी ITR 3 सहज, 3 सहज, या फिर सी ITR 4 या 4 सहज, और ऑप्शन डी है केवल ए ए और सी, मतलब केवल ए और केवल सी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल ए और सी। अब आइए जानते हैं इसके बारे में। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए 2 आयकर रिटर्न ITR फॉर्म अधिसूचित किए हैं, जिनमें बड़ी तादाद में उन लोगों को अनिवार्य रूप से रिटर्न फाइल करना होगा जिन्हें पहले ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं थी। और कर विभाग ने जनवरी में ITR 1 सहज और ITR 4 सहज पेश किया है। साथ ही विभाग ने नकदी जमाओं, अब देखिए नकदी जमाओं, विदेश यात्रा और बिजली पर होने वाले खर्च से संबंधित विवरणों का खुलासा भी अनिवार्य बनाया है। मतलब अब आपको नकदी जमा, विदेश यात्रा और बिजली पर होने वाले खर्च से संबंधित विवरण भी देने होंगे। अब देखिए ITR 1 सहज वेतन, एक मकान और ब्याज, ब्याज से जो आय होती है उसका, और पारिवारिक पेंशन से जो आय होगी, इन सबसे जो मिलाकर कुल 50 लाख रुपए तक की सालाना आय कमाने वालों के लिए है। देख लीजिए ITR 1 सहज जो है वो किससे है, वेतन, एक मकान, ब्याज, ब्याज की जो आय रहेगी और पारिवारिक पेंशन से जो आय रहेगी, उन सबसे मिला के कुल जो 50 लाख रुपए तक की सालाना आय कमाने वालों के लिए है उनके लिए है। और इस फॉर्म के लिए पासपोर्ट विवरण भी जरूरी होगा, मतलब अगर पासपोर्ट है आपका बना हुआ तो उसका विवरण भी देना जरूरी है। और ITR 4 सुगम जो है वो उन लोगों के लिए जिनकी आय तो सालाना 50 लाख रुपए तक है और मकान भी है, लेकिन उनके बैंक खाते में 1 करोड़ से ज़्यादा जमा है, या उन्होंने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए या बिजली बिल पर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्च किया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देख ले कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत केंद्र के लिए तथा राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की गई है। देखिए केंद्र, उसके बाद ऑप्शन कथन 2 है, सॉरी, ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं। और कथन 3 है, लोकपाल यानी ऑम्बियसमैन संस्था की शुरुआत वर्ष 1809 ईस्वी में कहाँ हुई थी, स्वीडन में हुई थी। और उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1 2, बी है 2 3, और सी है सभी 1 2 3, या फिर डी है केवल 1 3। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, केवल, सॉरी, सभी 1 2 3 सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो है आज का प्रश्न, उससे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारा ये जो प्रश्न है इसकी व्याख्या काफ़ी लंबी है,
तो उसके लिए मैंने एक अलग ही वीडियो बनाया है, और वो वीडियो भी आपको जो हमारा ये वाला वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि उस वीडियो में क्या है कि लोकपाल को हमने पूरा कवर किया है, मतलब उसके बारे में सारा कुछ बताया है। तो उससे ये हो जाएगा कि अगर इस वीडियो के साथ जोड़ते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो उसको हमने कोशिश ये की है कि एक अलग से वीडियो बनाए और उसमें लोकपाल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। तो ठीक है, तो आप उसे देखना ना भूलें, लिंक जो है उसका वो डिस्क्रिप्शन में है, जैसे ही वीडियो पब्लिश होगा यहाँ पर लिंक अपडेट हो जाएगा। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान में लोकपाल कौन है? ऑप्शन है जस्टिस माथुर, या और बी जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, या सी जस्टिस कलीफुल्ला, या फिर डी जस्टिस रमन्ना। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको देना है कमेंट के माध्यम से, आपको कमेंट करना है। तो अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और अब हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, और अपडेट्स के लिए हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अब क्या है कि हम लोग धीरे धीरे नए से नया वीडियो डालने वाले हैं, उसके अलावा पूरी जीएस भी कवर करने की हमारी प्लानिंग चल रही है अब, और जीएस के भी आपको वीडियोस मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, उसके अलावा क्लासेस भी अब थोड़े दिनों में ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।